देश में इन दिनों एक चर्चा सबसे ज्यादा है और वो है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव, जिसके लिए आज नामांकन हुआ। इस रेस में चार नाम सबसे आगे थे, लेकिन इसमें से सिर्फ दो बचे हैं। और देखा जाए तो आलाकमान ने जिस वाइल्ड कार्ड एंट्री को चुना है तो उसका अध्यक्ष बनना तय है। वो है गांधी परिवार के विश्वसनीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, 8 बार के विधायक और 3 बार के सांसद हैं। खड़गे दलित चेहरा है और ये दूसरी बार है जब कांग्रेस में कोई दलित चेहरा अध्यक्ष पद पर होगा। इससे पहले जगजीवन राम पहले दलित अध्यक्ष बने। ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं। गहलोत रेस में नहीं, दिग्विजय आउट, मुकाबले में थरूर, खड़गे की एंट्री, ये चार तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। वैसे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव कभी आसान नहीं रहा। पार्टी का ज्यादातर इतिहास मनोनीत या नामजद कांग्रेस अध्यक्षों से भरा हुआ है, लेकिन पार्टी में जब भी इस पद के लिए चुनाव हुए वो बेहद रोचक रहे। कांग्रेस अध्यक्ष पद ने पार्टी के 137 साल के इतिहास में चयन प्रक्रिया पर आम रजामंदी के साथ केवल कुछ ही मुकाबलों को देखा। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी जब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर अलग तरह से चुटकी लेती रही है, बहरहाल पार्टी की सबसे पुरानी परंपरा ये थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साल के सत्र की अध्यक्षता करने के लिए एक प्रेरक और एक नेता को आमंत्रित किया जाता था। आमंत्रित व्यक्ति अगले साल के सत्र तक कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालता था, फिर उसके बाद अगले सत्र में भी किसी अन्य नेता से आने और अध्यक्षता करने का अनुरोध किया जाता था। अब एक नजर डालते हैं आजादी के बाद कौन कौन अध्यक्ष पद पर रहा। जेपी कृपलानी 1947, पटाभी सीतारमैया 1948 से 49, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, यूएन वेबर, इंदिरा गांधी, नीलम संजीव रेड्डी, के कामराज, एस निजलिंगप्पा, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। वैसे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के कई किस्से ऐसे हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। बोस बनाम सीतारमैया। कांग्रेस का पुराना इतिहास टटोलने से पता चलता है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सही मायने में पहला चुनाव 1939 में सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सीतारमैया के बीच हुआ था। सीतारमैया को हालांकि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का समर्थन प्राप्त था, लेकिन बोस जीत गए। 1930 के दशक के अंत में गांधी जी और बोस के बीच के अलग अलग रिश्ते कांग्रेस के इतिहास का एक दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय है। टंडन जीते लेकिन नेहरू से मतभेद रहे। आजादी के बाद 1950 में जेबी कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन के बीच चुनाव लड़ा गया था। टंडन विजय हुए, लेकिन बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मतभेदों की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब नेहरू ने 1951 और 1955 के बीच पार्टी प्रमुख और पीएम के दो पदों पर काम किया। नेहरू ने 1955 में कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया। इंदिरा युग की शुरुआत और उथल पुथल। इंदिरा गांधी ने 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला, लेकिन 1960 में नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई। इस दौरान कांग्रेस में काफी हलचल के दिन थे। इंदिरा गांधी से तमाम लोगों के मतभेद बढ़ रहे थे। 1966 में जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव आया तो मोरारजी देसाई ने इंदिरा को चुनौती दी, लेकिन कामराज की मदद से इंदिरा चुनाव जीत गई। लेकिन इसके बाद कांग्रेस दो गुटों में बट गई, इससे इंदिरा की पार्टी पर पकड़ और भी मजबूत हो गई। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई, लेकिन इंदिरा इस पद पर बनी रही और 1984 में जब उनकी हत्या हुई तब तक वो दो पदों पर तैनात थी। कांग्रेस बटी इंदिरा और पावरफुल। इंदिरा गांधी 1959, 1966, 1967, 1978 से 1984 तक कांग्रेस अध्यक्ष रही। बीच में के कामराज 1964 से 1967 तक अध्यक्ष रहे, लेकिन वो इंदिरा गांधी की ही पसंद थे। इसके बाद इंदिरा गांधी के ही पसंद वाले कांग्रेस अध्यक्षों का बोलबाला रहा। इसके बाद जगजीवन राम 1970 से 71 में कांग्रेस अध्यक्ष बने, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1972 से 74 तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे। 1975 से 77 में देवकांत बरुआ कांग्रेस अध्यक्ष बने, और इसी दौरान बरुआ ही वो शख्स थे जिन्होंने इंदिरा को भारत का पर्याय, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया बता दिया था। ये इमरजेंसी का दौर था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 से 1991 तक उनके बेटे राजीव गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे। 1992 से 96 के बीच पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस अध्यक्ष रहे, लेकिन गांधी परिवार ने राव के कार्यकाल को कभी पसंद नहीं किया। कांग्रेस के इतिहास से पता चलता है कि 1947 और 1964 के बीच और फिर 1971 से 77 तक कांग्रेस अध्यक्ष ज्यादातर तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए ही उम्मीदवार थे।
सोनिया गांधी औपचारिक रूप से 6 अप्रैल 1998 को AICC द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई। बीच में सन 2000 में चुनाव की नौबत आई, फिर 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने। 2019 में पार्टी के हारने के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस समय सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रही हैं और आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी अभी भी गांधी परिवार के मुंह से निकल नहीं पा रही। इस बीच पार्टी में गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा के नेतृत्व में गुट उभरा, जिसमें पार्टी का चेहरा बदलने की वकालत की, लेकिन इसे विद्रोह माना गया। गुलाम नबी आजाद पार्टी से आजाद हो चुके हैं और इन दिनों पीएम मोदी की तारीफों में जुटे हैं और जम्मू कश्मीर में अपनी खोई जमीन तलाश रहे हैं। कांग्रेस के पास मौका है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव करे, जो कि हो रहा है, जिसके लिए नामांकन हुआ है। अगर खड़गे चुनाव जीतते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो गांधी परिवार के ही शख्स हैं, बस उनके नाम में गांधी नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस देश की एक बड़ी पार्टी है और उसके अध्यक्ष का चुनाव कम महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का कहना है कि अध्यक्ष कोई भी बन जाए, राहुल गांधी कांग्रेस की मुख्य भूमिकाओं में रहेंगे।